आशीष होम किचन में आपका स्वागत है। बरसात शुरू हो गई है और बरसातों में धूप का दिखना बहुत ही मुश्किल होता है और खाने के शौकीन अचार की डिमांड हमेशा रखते हैं। मैं आज आपके संग शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसे ही अचार की रेसिपी जिसमें आपको उसे धूप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत ही चटकारेदार, मजेदार और स्वादिष्ट लगता है। मैं बात कर रही हूँ बरसात के समय मिलने वाली एक ऐसी हरी मिर्च जो कि कम तीखी होती है और साइज में थोड़ी मोटी होती है। ये हरी मिर्च का अचार इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, आप इसको एक की जगह इतना खा जाएंगे फिर भी आपका मन नहीं भरेगा। इस हरी मिर्च को बनाने में आपके संग कुछ टिप्स भी मैंने शेयर करी हैं और आपको ये रेसिपी हो सकता है थोड़ा सा हटके भी लगे। तो देखिए मेरी हरी मिर्च की ये रेसिपी और पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने इस रेसिपी में जो भी प्रोडक्ट्स यूज करे हैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी रेसिपी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहे, आप और हम यूं ही जुड़े रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हरी मिर्च का ये बहुत ही स्वादिष्ट अचार। अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने 400 ग्राम हरी मिर्च ले ली है। आप देख सकते हैं ये साइज में थोड़ी मोटी है और ये खाने में कम तीखी है, तो आपको इसमें चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये कम तीखी होने की वजह से ही आपको बहुत ही अच्छा स्वाद भी देती है। मिर्च के मैंने डंठल निकाल दिए हैं ऊपर के, अच्छे से धो के सुखा के पोंछ लिया है सूखे कपड़े से, क्योंकि मिर्च में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये मैंने ले ली है 400 ग्राम हरी मिर्च। यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा बाउल ले लिया है। अब मिर्च के एक के तीन पार्ट में यहाँ पे काट कर दूसरे बाउल में रखती जाऊंगी। बीच में से चीरा लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, लेकिन ध्यान रहे कि आपके हाथ में कोई भी कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिर्ची आपको लग सकती है। ज्यादा तीखी नहीं है लेकिन फिर भी मिर्च तो मिर्ची होती है, तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें। इस तरह से सारी मिर्च को मैंने काट लिया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर बीज बहुत कम है और ये कम तीखी है खाने में। अभी ये ज्यादा लग नहीं रही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये लगती है, मगर जो तीखा कम खाना पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब इस कटी हुई मिर्च को रख देते हैं साइड और अपना मसाला बनाना तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन को हल्का गर्म कर लिया है। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मेथी के दाने, 2 बड़े चम्मच बड़ी वाली सौंफ, 1/2 चम्मच यहाँ लिया है मैंने अजवाइन। अब इन तीनों को हम हल्की खुशबू आने तक सेक लेंगे। इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है ताकि जो ये खड़े मसाले हैं इनकी नमी चली जाए। बहुत ही धीमी धीमी अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की भुनने की। 1 मिनट इसको भुनने के बाद मैं ऐड करूंगी 1.5 बड़ा चम्मच सरसों के दाने और 1/2 चम्मच छोटी वाली राई। अब इसको इन सारे मसालों में 1 मिनट और भुनेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, गैस ऑफ कर देंगे। गैस बंद करने के बाद मसालों में ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच हींग, ऐसे ही इसमें मिला देंगे। अब मैं इस मसाले को अच्छे से ठंडा होने दूंगी। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी कढ़ाई रख दी है, आप चाहे तड़का पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार हमेशा सरसों के तेल में ही बनाया जाता है और वही उसमें इस्तेमाल किया जाता है, उससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ती है, प्लस उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद सिर्फ सरसों के तेल से ही आता है। तो कढ़ाई हल्की गर्म हो गई है, इसमें डाल देंगे 120 ml सरसों का तेल, 120 ml अगर आप कप के हिसाब से नापेंगे तो 1/2 कप है। तो यहाँ इसको हम अच्छे से गरम करेंगे, इसमें धुआं उठने देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे।
देख सकते हैं तेल से बहुत ही अच्छा धुआं निकलने लग गया है। गैस ऑफ कर देंगे और अपने तेल को हम हल्का गुनगुना रहने तक ठंडा कर लूंगी। यहाँ मैंने मिक्सी जार ले लिया है, इसमें अपने ड्राई रोस्ट करे हुए मसाले को मैं डालूंगी। और इसमें ऐड करूंगी भुना हुआ जीरा एक बड़ा चम्मच, आधी चम्मच लूंगी मैं काला जीरा मतलब मगरेल जिसको हम कलौंजी भी बोलते हैं। अब इन सबको मैं हल्का दरदरा पीस लूंगी, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें, इसको स्लाइटली कोर्स पाउडर बनाना है। इसे मैंने 10 सेकंड करके दरदरा पीस लिया है, खोल के देख लेते हैं। इस तरह से आपको इसका दरदरा पाउडर बनाना है, बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो चलिए अब अपने अचार की फाइनल प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, ये BPA फ्री एंड फूड ग्रेड प्लास्टिक है। इसमें ऐड कर देंगे हमारी हरी मिर्च कटी हुई, साथ ही में ऐड कर देंगे हमारा दरदरा पीसा हुआ सूखा मसाला, एक छोटी चम्मच मगरेल कलौंजी। यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच नमक लिया है, लेकिन मैं इसे हाथ की मदद से डालूंगी, इससे थोड़ा अंदाजा हो जाता है क्योंकि अचार में हमेशा नमक ज्यादा पड़ता है। और साथ में ही ऐड कर रही हूँ मैं काला नमक, ये टोटल ऑप्शनल है लेकिन काला नमक से बहुत अच्छा स्वाद आता है। एक बार आप इसे डाल के इस अचार को जरूर ट्राई करें। तो मैं इसको भी डाल देती हूँ, 1 बड़ा चम्मच है। थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर नहीं हो तो आप इसमें कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इन सबको हम मिला देंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि मसाला मिर्च के अंदर तक चला जाए। जब इसमें ऑयल पड़ जाएगा तो ये मसाला अच्छे से मिर्च के अंदर नहीं जा पाएगा, इसीलिए इसको आप जब ये ड्राई हो तभी मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं मिर्च के अंदर पूरा मसाला अच्छे से भर गया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी 4 से 5 नींबू का ताजा रस। नींबू का रस ना हो तो आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू और सिरके का रस इसलिए डाला जाता है, अचार को ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखता है, अच्छा रखता है, खराब नहीं होने देता है और इसको नरम होने में भी हेल्प करता है। मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन सी और नींबू में भी विटामिन सी होता है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है और स्वादिष्ट लगता है। अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई है अचार में अभी से ही। अब हम इसमें अपना गुनगुना तेल डालें, उससे पहले मैं अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आपके हाथ में कट वगैरह है तो आप प्लीज कोई ग्लव्स पहन के ही ये प्रोसेस करें। साफ हाथ की मदद से मैं इसे मिला दे रही हूँ। इस प्रोसेस के बाद हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं, नहीं तो आपको मिर्च भी लग सकती है। अब इस मिक्सचर को 5 से 10 मिनट हम ऐसे ही रख देंगे ताकि नींबू का रस और मसाले अच्छे से मिल जाएं। 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से रेस्ट दे दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे अपना गुनगुना पका हुआ सरसों का तेल और इसको मिला देंगे। मिर्च में अच्छे से तेल को मिला दिया है मैंने। अब हम इसको जिसमें भी इसको स्टोर करके रखना है, आपके पास बर्नी हो बर्नी में रखिए, चाहे आपके पास कांच का एयर टाइट जार हो उसमें रखिए, या फिर किसी फूड ग्रेड प्लास्टिक में BPA एयर टाइट कंटेनर में भी आप रख सकते हैं। तो मैं अब इसको एक कांच के बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। मैंने कांच के बाउल को अच्छे से सुखा के पोंछ लिया है। अब इसमें मिर्च का अचार ट्रांसफर कर देंगे।
अच्छे से मिला देंगे इसमें भी। हमारी हरी मिर्च का अचार बनके तैयार है। इस अचार को अगर आप धूप में रखते हैं, धूप दिखाते हैं, तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप इसे ना भी धूप दिखाएं, तो भी ये अचार आराम से 3 से 4 हफ्ते चलेगा। पराठे, पूरी या फिर लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में इस अचार को आप जरूर शामिल कीजिए। बनाएं इस चटपटे और मजेदार हरी मिर्च के अचार को। होप आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर आप इसे बनाएं और आपको पसंद आए, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना ना भूलें कि आपको ये हरी मिर्च का अचार कैसा लगा। मैं आशीष शुक्ला मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।